हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेगा टेक्निक्स की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बनाने वाले हैं बार एंड लाइट्स, हेडलाइट्स और बैकलाइट इंडिकेटर। इन्हें हम सभी को जलाएंगे, वो भी बिना किसी बैटरी के यूज़ किए हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सभी लाइट्स सिर्फ इस डीसी मोटर से ही चल रही हैं। लगभग हमने इसमें 10 लाइट्स से भी ज़्यादा लगाई हुई हैं और ये सारी LEDs सिर्फ इस मोटर से ही जल रही हैं। तो दोस्तों, इसे हम अपनी साइकिल में लगा सकते हैं और लाइट हमारी बड़ी आसानी से चलेंगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने इस लाइट को मार्केट में से बाय कर लिया था, पर फ्रेंड्स ये लाइट जो है वो 12 वोल्ट की है और हमारा मोटर इतनी ज़्यादा वोल्टेज नहीं जनरेट कर पाएगा। तो इसलिए हम इसमें जो ये इसकी लाइट्स हैं उन्हें निकाल लेंगे और यहाँ पे दूसरी लाइट लगाएंगे जो हमारी कम वोल्टेज से चल जाए। वैसे तो ये कम वोल्ट की होती है, लेकिन इसके अंदर ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिससे ये 12 वोल्ट से चलती है और ज़्यादा वोल्टेज से लाइट फ्यूज़ नहीं होती है। तो हमें ये लाइट तो यूज़ नहीं करनी है, इसलिए हम इसमें दूसरी LED लाइट्स लगाएंगे जिन्हें हमने मार्केट में से बाय कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यही वाली हम 6 LEDs इसके अंदर लगाएंगे और फिर इन सभी LEDs के पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारी लाइट एक साथ सारी की सारी जल सके। तो गाइस देखिए, हमने इन सभी LEDs के पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर लिए हैं और एक बार हम इसे चेक करके देख लेते हैं कि ये सारी LEDs चल रही है नहीं। तो देखिए, हमारी सारी LEDs चल रही हैं और अब हम इसे इसके होल्डर के अंदर लगा सकते हैं। तो हमने इसे होल्डर के अंदर फिट कर लिया है और अब इसे बंद कर देते हैं। दोस्तों, बंद करने के बाद फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि LEDs सारी जल रही है नहीं। फ्रेंड्स, अब हमें एक मोटर चाहिए जिससे ये हमारी सभी LEDs जलेंगी। तो उसके लिए हमने ये बल्ब लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 LEDs होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे और ओपन करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर ये यहाँ पे AC to DC कन्वर्टर लगा हुआ है जो हमारी ये LEDs हैं इन्हें चलाता है और मोटर को भी चलाता है। तो गाइज, हमें इसके अंदर से ये मोटर निकालना है जिसका यूज़ हम DC जनरेटर के रूप में करेंगे और जो हमारी साइकिल में LEDs होंगी वे सारी LEDs इस मोटर की वजह से चलेंगी। तो चलिए इस मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। हम इसके वायर्स को यहाँ से हटा देंगे। फ्रेंड्स, इसे हटाने के बाद हमें ये गियर बॉक्स खोलना है और इसके अंदर से दोनों पैंच खोलकर मोटर को बाहर निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है और एक बार हम इसके वायर्स को LEDs के वायर के साथ जोड़ लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा मोटर पावर जनरेट कर रहा है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ी आसानी से सारी LEDs को जला पा रहा है। तो इसका मतलब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने साइकिल में। और एक बार हम बैक लाइट भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बैक लाइट भी आसानी से चल रही है। और फिर फ्रेंड्स, हमें मोटर को साइकिल के साथ अटैच करने के लिए हमें एक व्हील चाहिए।
तो इसके लिए मैंने इस फ़ैन का यूज़ किया है। अब मैं इसके जो इसकी जो पंखड़ी है मैं इसे कट कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने इसकी पंखड़ी कट कर दी है और अब मैं इसे इसके साथ लगा दूंगा तो ये बड़ी आसानी से अटैच हो सकता है और मैं इसे अपनी साइकिल के साथ अटैच कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये पंखड़ी मैंने मार्केट में से बाय की है। अगर आपको मार्केट में से कहीं मिल जाए तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं मिली तो आप ये छोटे वाले गियर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर किसी कार का व्हील भी यूज़ कर सकते हो जो इसमें टाइट लग जाए, पर ये इसमें लूज़ है इसलिए मैं इसे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको मिल जाए तो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसे ही यूज़ करूँगा। और अब मुझे एक मेटल की स्ट्रिप चाहिए जिससे मैं इसे मोटर को अपनी साइकिल के साथ अटैच कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये सेटअप बॉक्स का ऊपर का कवर यूज़ किया है और मैं इसमें से इस टाइप की एक मेटल स्ट्रिप कट कर लूँगा। मैंने अभी ये पहले से ही कट करके रखा हुआ है, आप इसे सीज़र से बड़ी आसानी से कट कर सकते हो इस तरीके से, पर मेरे पास ये पहले से ही है इसलिए मैं कट नहीं करूँगा। और कट करने के बाद आपको इसी तरह से इसमें ये चार होल कर लेने हैं। कील से आप होल कर सकते हो और फिर सीजर से इस तरीके से होल को बड़ा कर सकते हो, और फिर हम इसे कट करने के बाद इसमें अपना मोटर लगाएंगे। मोटर को हमें इस तरीके से लगा देना है इसमें, और फिर हमें दो पैंच लेने हैं और इस पैच को हम एक ऊपर की साइड लगा देंगे। और इस पैच को लगाने के बाद अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि ये मोटर इसमें से निकल ना जाए। तो दोस्तों इस पैच को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद फिर हमें एक और पैच चाहिए, पर हमें इसे साइकिल के साथ लगाना है तो इसलिए हम इसे अभी रेडी करके रख देते हैं। तुम्हारा ये सिस्टम रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, हमने बार एंड लाइट्स बनाई थी और किस तरह से इन्हें लगाया था साइकिल में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ही वीडियो देख सकते हो जाके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों इसे लगाने के बाद दोनों तरफ की LEDs को और हेडलाइट्स के वायर, तीनों के पॉजिटिव वायर हमें एक साथ लगा देने हैं और तीनों के नेगेटिव वायर एक साथ। तो इन वायर्स को हमें इस हेडलाइट्स के वायर के साथ अटैच कर देने हैं, पॉजिटिव सबके एक साथ और नेगेटिव सबके एक साथ। और फिर एक वायर जो मेन है उसे हमें मोटर के पास तक ले जाना है। तो हमने ये सारे वायर जोड़ दिए हैं और ये हमारा एक मेन वायर है जिसे हमें साइकिल के मोटर के पास तक ले जाना है। और ये हमारी बैक लाइट है जिसे हमने अटैच करके दोनों के वायर यहाँ पे ले आए हैं। और अब हम यहाँ पे मोटर लगाएंगे। दोस्तों मोटर को हमने यहाँ पे लगा दिया है और अब हम इसके पैच को लगा देते हैं और इसे अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों टाइट करने के बाद हमें ये चारों वायर, दो अगली लाइट के और दो पिछली लाइट के, सभी लाइट्स के वायर मोटर के वायर के साथ अटैच करने हैं। तो पहले इस मोटर को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा मोटर व्हील के साथ टच होना चाहिए ताकि ये व्हील के कॉन्टैक्ट में आके रोटेट हो और पावर जनरेट हो, जिससे हमारी ये सारी LEDs जलेंगी।
तो फ्रेंड्स हमने मोटर को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है और वायर्स भी सारे जॉइन कर दिए हैं। मोटर के वायर एलईडीज के साथ और मोटर भी व्हील के साथ रोटेट हो रहा है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने साइकिल का व्हील रोटेट कर दिया है और जैसे जैसे साइकिल की स्पीड कम होती है वैसे वैसे लाइट भी डिम होने लगती है और फिर बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से वर्क करता है। तो चलिए एक बार आपको सड़क पे दिखा देते हैं किस तरीके से लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये लाइट जब हम साइकिल को चलाएंगे तो जलेंगी और ये हमारी फ्रंट लाइट्स हैं। तो फ्रेंड्स फ्रंट की लाइट हमारी इस तरीके से जल रही है और अब फ्रेंड्स ये हमारी साइकिल की बैक लाइट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।